नया वर्ष सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जा सकता। मेरे प्रिय मित्रों, हर वर्ष 31 दिसंबर के आते ही सारी दुनिया में नव वर्ष का महोत्सव शुरू हो जाता है और फिर पूरे दिन नए वर्ष का हल्ला, नए वर्ष का शोर मचा रहता है। लेकिन कभी ना भूलें, नया वर्ष सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जा सकता, सच्चे अर्थों में उसे पूरे 365 दिन मनाना पड़ता है। वास्तव में अगले एक वर्ष का नया दिन है और अगले एक वर्ष का शुभारंभ है। क्या आपने कभी गौर से सोचा, नए वर्ष में नया क्या होता है? उन्हीं पुरानी शुभकामनाओं को दोहराना, उन्हीं पुराने रिचुअल्स को, कर्म कांडों को दोहराना, उन्हीं पुरानी परंपराओं के गीत गा लेना, उन्हीं नए पुराने संकल्पों को दोहराना और फिर एक सप्ताह के भीतर ही उन सब को भूल जाना और अंततः उन्हीं पुराने संस्कारों को ढोते रहना जो आपके भीतर से नहीं निकले हैं बल्कि समाज के द्वारा आपके ऊपर थोप दिए गए हैं। गौर से देखें तो पाएंगे कि नए वर्ष में तो नया कुछ भी नहीं होता है, सब वही पुराना चलता रहता है। मैं सभी युवा चित्त के लोगों से, यंग माइंड से कहना चाहता हूँ कि इस बार नए वर्ष को नए ढंग से मनाओ। पहली बात, पुराने का बोझ अब बहुत ढो लिया, अब मरे मराए अर्थहीन पुराने संस्कारों को छोड़ो। अपनी अंतः प्रज्ञा को, अपनी अंतर्दृष्टि को जगाओ और अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी अंतः प्रज्ञा के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। स्वविवेक से जो जीवन पैदा होगा वो सच्चे अर्थों में नया जीवन होगा और सच्चे अर्थों में नए वर्ष का महत्वपूर्ण नया संकल्प होगा। दूसरी बात, सारी मनुष्यता आज किसी न किसी रूप में अस्वस्थ। मेरी अपेक्षा है कि सारे युवा चित्त के लोग, सारे यंग माइंड्स आज संकल्प लें, स्वयं को शरीर के तल पर, मन के तल पर और आत्मा के तल पर स्वस्थ करने का। और इसके लिए जरूरी है सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम। और आप इन तीनों महत्वपूर्ण आयामों के बारे में आधुनिकतम वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करें और 365 दिन उसका उपयोग करें। आपके भीतर हंसता हुआ एक नया व्यक्ति पैदा होगा और सच्चे अर्थों में आपका पूरा पूरा वर्ष नया होगा। तीसरे, हर व्यक्ति जिंदगी में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करना सीखे और वर्ष के पूरे 365 दिन उसका उपयोग करे। वास्तव में इससे आपका पूरा का पूरा जीवन ही नया होता जाएगा। और चौथी बात, कभी ना भूलें, हर व्यक्ति जिंदगी में मनचाही मंजिल को पाना चाहता है, इसलिए इस महासूत्र को हमेशा याद रखें। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित होता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हैं और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया मुरझाया रहता है उसकी मनचाही चीजें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती है। इसलिए अनिवार्य है सीखें हर पल आनंदित रहने का विज्ञान और उसे पूरे 365 दिन अपने जीवन शैली का अंग बनाएं। और अंत में कहना चाहूँगा, अपने भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होने का एक ही उपाय है, ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसलिए मेरा पांचवा महासूत्र है, प्रैक्टिस
meditation and learn the art of living with awareness 24/7. Thank you.